सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं अरनास टापी हेलनर और अभी आपको दिखाते हैं शानदार व्यू। सो राइट नाउ विद मी देयर आर थ्री फ्रेंड्स, दिस इज हकीम। सो हकीम, वेयर वी आर गोइंग? हकीम डोंट नो वेयर वी गोइंग। एक्चुअली वी आर गोइंग टू दिस आइलैंड। This is the sunrise. और अभी यहाँ पे बजे हैं सुबह के 9. Oh my God, what a amazing view! Guys, wind है वो बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है। अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। यहाँ पे हमने व्हेल देखा था तो, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बन पाई। और दोबारा लेट अस सी, दोबारा आती है तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर आप यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप बी रेडी फॉर वेल फोटो, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही रेयरली आती है। हम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट से वेट कर रहे हैं कि दोबारा आए, लेट अस सी आती है नहीं आती। दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं कुछ बर्ड्स हैं, वो यहाँ से यहीं पास में रहते हैं और अभी वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए फिश को कैच कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बर्ड्स तो स्विम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ भी सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और अभी सनराइज़ देखो कितना मस्त हो गया। We are going for another point for whale watching. ये वाला जो point है, इस point पे whale के ज़्यादा chance हैं। यहाँ पे आप whale देख सकते हैं और पैसा भी save कर सकते हैं। Otherwise आप whale देखने के लिए जाएंगे तो एटलीस्ट 10,000 IS के आपको स्पेशली उसके लिए पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप फ्री के अंदर whale है वो watch कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सो गाइज अभी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने फाइनली अपना दूसरा लेंस है वो चेंज कर लिया था, पिच 1-210, और उससे मैंने वेल कैप्चर कर लिया है। अगर आप यहाँ पे आइसलैंड में आते हैं तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं और कैमरे से कैच कर सकते हैं। मैंने कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लिया है। आई विल पोस्ट दिस फोटो ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट @विदेशी ट्रेवलर। सो फाइनली मैं अपने सब्सक्राइबर्स को व्हेल दिखाई देता हूँ। फ्रेंड्स ये है व्हेल। सो गाइस मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विदेशी ट्रेवलर, और अभी अगर आपको व्हेल देखना है तो जो मेरे, मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ यहाँ से ही आप व्हेल देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सामने पॉइंट देख रहा है उसी पॉइंट पे व्हेल दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ फिशेज देयर। सो उसको ब्रेकफास्ट डिनर लंच चाहिए तो इसलिए वो वहीं पे मिलती है, तो अच्छी फोटोग्राफ्स आप यहीं से ही निकाल सकते हैं। बाय बाय। सो अभी फिर से एक नई खूबसूरत जगह पे आए हैं। ये जो चर्च है बैक साइड में, ये आइसलैंड का पहला चर्च है जो डिमोलिश कर दिया गया था, देन इसे फिर से रिबिल्ड किया है।
सो फ्रेंड्स, आपका विदेशी ट्रैवलर कहाँ कहाँ भटक रहा है देखिए, और आपके लिए कितना कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। देखो कितना अमेजिंग व्यू है। शानदार। सब कुछ फ्रीज हो रहा है यहाँ पे। सो अभी आपने देखा यहाँ पे पीछे बैक साइड में वोल्केनो। सो दिस इज फ्रोजन बट समथिंग इज बैक साइड दैट इज स्टिल देयर। यू वन एट क्रिकजू फेल्स फौज एंड बैक साइड में एक ट्राइंगल का माउंटेन है, और ये आप बैक साइड में एक फॉल है वो देख रहे हैं। सो अभी वहाँ पे जाते हैं, नज़दीकी से आपको दिखाते हैं।